राजधानी जयपुर में 3 नवंबर को होने वाले फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान दिलजीत के शो के फर्जी टिकट बेचकर बड़े स्तर पर ठगी करने का मामला भी सामने आया है। इसके बाद ईडी ने रविवार को भी राजधानी जयपुर सहित दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, मुंबई और बेंगलुरु में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में ईडी को फर्जी टिकटों को बेच करके बड़े स्तर पर पैसे की हेराफेरी किए जाने की शिकायत मिली थी। ईडी ने इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन भी किया है और इसके साथ ही ईडी इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ का 3 नवंबर को JCC सीतापुर में शो आयोजित होने जा रहा है। इसके चलते ईडी को शिकायत मिली है कि शो के फर्जी टिकट बेचे जा रहे हैं। इसे लेकर ईडी को आशंका है कि फर्जी टिकटों के माध्यम से बड़े स्तर पर पैसों की हेराफेरी की जा रही है और इसी मामले में ईडी ने रविवार को भी राजधानी जयपुर सहित आधा दर्जन देश के बड़े शहरों में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की है। इसमें ईडी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन समेत कई महत्वपूर्ण सबूत भी हाथ लगे हैं और इसे लेकर ईडी आगे की तमाम कार्रवाई में अब जुट गई है। बता दें कि 3 नवंबर को जयपुर के JCC सीतापुर में सिंगर दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर ईडी के पास फर्जी टिकट बेचने की शिकायत मिली थी और इस पर ईडी ने जयपुर में दो जगह सर्चिंग अभियान भी चलाया था, जहां पर दो लोगों को इस मामले में ईडी ने डिटेन किया है। इसके अलावा वहां मिले लैपटॉप और मोबाइल्स को भी ईडी ने जब्त कर लिया है, जिनकी अब जाँच की जा रही है। इस मामले को लेकर ईडी सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है कि फर्जी टिकट किस तरीके से तैयार हो रहे हैं और किस तरीके से उन्हें बेच करके इस पैसे को एडजस्ट किया जा रहा है। जयपुर में होने वाले दिलजीत के शो को लेकर फर्जी टिकट जमकर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं और इस शो को लेकर बुक किया माई शो और जोमेटो लाइव के जरिए टिकट बुक किया जा रहा है, जहां इनकी कीमत 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक है। मगर इस खेल में सोशल मीडिया के जरिए फर्जी टिकट जो हूबहू तैयार करके बेचे जा रहे हैं और इसे लेकर के सोशल मीडिया के जरिए इन टिकटों को 50,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक के वसूल इस पर किए जा रहे हैं। इस शिकायत पर ईडी ने सोशल मीडिया के जरिए IP एड्रेस निकाल कर विभिन्न 13 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर संदिग्ध लोगों को भी डिटेन किया गया है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन के भी कई अहम सबूत ईडी को हाथ लगे हैं। ईडी छापेमारी की कार्रवाई के दौरान मिले हुए लैपटॉप और मोबाइल्स को फिलहाल खंगालने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।